आज खाने में हमने बनाई ये मटन कढ़ाई और ये महलोर गरम मसाला फिल कर रही हैं। हाँ जी महलोर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, वेलकम टू, किसने कह रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मिशन साहिब विद फैमिली व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज बन रहा है फिर से गोश्त। फिर से गोश्त। हाँ जी साईं जी, आज आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो बस खाना वगैरह बना रहे हैं, बस अब गोश्त ही चलना है ये एक महीना पूरा। हाँ जी, अब ये हमारी रोटियां पक रही हैं, मानो रोटियां बना रही है। ये कढ़ाई हमारी दम पे लगी हुई है, ये मानो ने रोटी डाली तो बस अब चलते हैं खाना खाते हैं। आपने खाना? क्यों, मैं नहीं खाना। गोश्त 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 मसाला वगैरह खा लेती है। अस्सलामुअलैकुम जी, हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे आजकल, आपको पता ही है कितने दिनों से व्लॉग हमारा नहीं आ रहा। हसन के आज 5 दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसकी उल्टियाँ नहीं बंद हो रही, ड्रिपें वगैरह भी लगवाई हैं, सब कुछ करवाया है लेकिन नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो बस अभी से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और महनूर साहिबा का भी कान में दर्द है, इसकी स्वेलिंग हो रही है, इसको भी लेके जा रही हूँ। साईं जी चकवाल गए ईद गदीर के जश्न पे और हम लोग तीनों ही घर पे हैं। रात को भी सारी रात जागते रहे हैं, बल्कि 3 दिनों से जाग रहे हैं। रात को 12 बजे इसको ड्रिप वगैरह लगवा के आए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप प्लीज़ दुआ करें और बस अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल इनको लेकर। चलो, मानू का चेकअप हो गया है। मानू बड़ा डर रही थी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर है, स्वेलिंग है सिर्फ, बस मेडिसिन दी है उन्होंने। अब चलते हैं, दो कतरे सुबह शाम बना लें ठीक है। या पैन दो ले तीन दिन वास्ते दर्द वास्ते ये दो कतरे। नोज इच भी है ना क्या ड्रॉप पड़े? हां, नोज वाले तेरे ने आहो कतरे बस एक आंच पड़े ने कि नाक के चे नाक में स्प्रे कुछ स्प्रे है स्प्रे नींद आई। अब ये देखिए मेरा फेस वाला, हर दफ़ा ऐसी कान में होता है आपको। पे आप बताएं, हसन को ड्रिप लगी है वहाँ पे, तो बस इसका चेकअप करवा के फिर हसन के पास चलते हैं। बस आप दुआ करें कि हसन की तबीयत ठीक हो जाए, हम बहुत परेशान हैं। हाँ जी, ये हसन को ड्रिप लगी हुई है। ये बंद करो, बंद करो। हाँ जी, हम लोग घर आ गए हैं। ये आलू बुखारे रास्ते से लिए थे हसन के लिए, दो के फ्रिज में रखे हैं ठंडे होने के लिए। ये लेकर आई हूँ अभी, इसने फालसे का जूस पिया है। हाँ, जूस पिया है क्या? फीलिंग है बोलो। ये मेडिसिन दी है उन्होंने, बाकी रिपोर्टें कल मिलेंगी लग रहा है। अगर डॉक्टर भी कह रहे हैं कि यरकान हो गया है, तो बस अब दुआ करें कि जल्दी बेहतर हो जाए, कल रिपोर्टें मिलेंगी तो फिर प्रॉपर इसकी मेडिसिन वगैरह आएंगी। ये महानूर का ड्रॉप आया है, इसको स्वेलिंग हुई हुई है। आके लेट के ये रात के हम सोए नहीं, अभी तकरीबन रात के 3:30 बज गए हैं। आप इसको मेडिसिन दे के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को आप कुछ खाओ, फिर कल इंशाल्लाह चलेंगे, अल्लाह करे कि रिपोर्टें ठीक आए। ये भी एक दो खा लो ना, बाकी ठंडे होने के लिए रखें, खा कुछ भी नहीं रहा, इतना कमज़ोर हो गया। चलो अब मेडिसिन थोड़ी सी लो ना, तो फिर लेटते हैं। हाँ जी, आज नेक्स्ट डे हो गया है, आज हसन की रिपोर्टें मिलनी है। वैसी पोजीशन है, उसको दर्द नहीं जा रही लेकिन उल्टी कल से नहीं आई है, शुक्र है अल्लाह का। तो बस अब दुआ करेंगे आज रिपोर्टें बेहतर हो। साईं जी भी वहाँ से निकल आए हैं, तकरीबन 12 बजे तक पहुँच जाएंगे घर। महानूर को हम लोग घर ही छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने आना है, और बस अब रिपोर्टें लेकर आते हैं तो फिर जाके ना डिप्रेशन ख़त्म होगा। नींद वगैरह आ नहीं रही मुझे तो टेंशन में बिल्कुल भी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 10 बजे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, दवाई खाता है या कुछ खाता है, जूस ही पिया है इसने कल से, कुछ खाया नहीं, बिस्किट खाया, तो फिर पेट में दर्द होती है। तो बस अब रिपोर्टें लेकर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप सो ना जाना, पापा ये ना दरवाज़ा बजाता रहे और फिर मुझे फ़ोन आते रहे, और पापा घर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना कि पापा आ गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।
अपना ख्याल रखना। आके तो सही दुआ करना कि भाई की रिपोर्टें सही हैं। हाँ जी इंशाल्लाह ठीक होगी। चलो खैर से जाओ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आ गए हैं आप? हाँ जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी आ गए जी ड्यूटी करके जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की। आपको पता है सब कोई जैसे कि इधर गदीर बड़ा हमारे लिए वो मोमिनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आज 3 दिन बाद आया हूँ। फिर ऊपर से मुझे हसन की टेंशन लगी थी, हसन बीमार हुआ है। तो हसन भाई आप सुनाओ कैसे हो? इधर आओ। हसन की भी मुझे टेंशन थी। हसन बीमार हुआ है, इसको वो थोड़ा जो है ना वो यरकान का मसला हुआ है। तो इंशाल्लाह इसकी वो अब जो है ना मैं उधर जब रास्ते में था वो मेरे दोस्त हैं कीम साहब गुलबर्ग में, उनसे बात हुई है तो उसको लेके जाऊंगा वहाँ पे। कुछ रिपोर्टें आज ले आए हैं हम लोग तो, और बाकी एक जो रिपोर्टें वो हफ्ते को आएगी। चलो वो जो लेके आए वो भी दिखाएंगे, जो आनी है वो भी दिखा देंगे। और बस मेरा बेटा बस अल्लाह खैर करे, आप लोगों ने भी दुआ करनी है तो। और बच्चों को अपनों को भी समझाएं और आप भी अपने बच्चों को समझाएं। ये बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक ये इसी से ये मसले जिंगर बर्गर जनाब ये स्टिंग बोतल पिज्जे वगैरह इनसे ये जो है ना चीजें होती। तो माँ नूर फातिमा वो मेरे लिए चाल लेके आओ, जो है ना थकावट हुई है बहुत, तो चाय अच्छी सी बना के पिलाओ मुझे। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। एक मुंडा दूसरा बैठा है मोबाइल ते सारे सो सू के आए ने। चलो मानो चाय बना कर लाओ। तोता साडा बड़ा हैप्पी हैप्पी है अज कल एसी दे विच बड़ा खुश खुश है। मियां मिठू आवे ना, मियां मिठू नु कड्डो, मियां मिठू नु कड्डो। चल चल बाहर, एनु कड्डो बाहर, ओ एनु कड्डो बाहर, चल बाहर। एथे की लेन आया मिठू? आए मिठू ओए एक साढ़े घर च मिठू साई है ते दूसरा है मियां मिठू। दो मिठू ने छद के चीटियां मार रहे। ओए ओए कटो बार, ओए कटो वाली बार, कटो आ ना। चाय आ गई है जी। थैंक यू, शुक्रिया। पापा जी अब चाय का मजा तभी है जब सास मौसे हो। समोसे आप खाओ जितने मर्जी लेकिन मंगवाओ अपने भाई से, मैं पैसे देता हूँ आपको। अच्छा तो मंगवा लो, आपको पता अब सफर करके आए थकावट हुई है। कितने के? 100 के बड़े के बड़े ये लो। तुसी फड़ो मेरे को 100 ले आने तुसी। मैं अब बेटा आपको पता मुझे थकावट हुई है, लेकर आप नहीं आने। आप ऐसे करो ना ये लो भाई से जो है ना मंगवा लो, मुझे अब जो है ना तंग ना करो, मुझे थकावट हुई है तो भाई से मंगवा लो। आप ये ले लेके आप नहीं आने। ये क्या बात है? नहीं आप नहीं आज लेकर आने। मैं बेटा थका हुआ हूं तो नहीं, नहीं। आप ऐसे करो ना, आप ये और लो पैसे, ये पकड़ो मेरे से। इधर गए ये 1000। ये ले मेरे से 1000 ले, लेके आप नहीं आने। ओ मैं नहीं ले आने अम्मा, जा मेरे को मोबाइल। चलो ये पैसे हो गए ठीक है, मैं ले आती हूँ। मैं की गल है, समोसे 100 देने थे पैसे, तू मेरे को 1600 ले आज। 900 है
बच्चे देख लो आज अच्छे से अच्छे से जो 100 के समोसे लेकर आओ ने 200 के ले आओ और ये मेरे जो देख लो आए 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 जो बहुत ही आदर कर लेना चले समोसे खाते हैं एंजॉय करते हैं। हाँ जी समोसे खाते हैं तो समोसे खाते हैं लेकिन आज ये गदीर भी है आप आ गए तो केक वगैरह लेकर आए हम भी केक कट करें क्योंकि हसन की परेशानी है में हमने तो कुछ भी नहीं किया ना। कोई नहीं मौला के सदके इंशाल्लाह सही हो जाएगा। आप जो है ना उधर से केक मंगवाओ तो जो है ना मौला का केक काटते हैं तो साईं खुद ही वारिस है जिनके सदके अल्लाह ने दिया है वो खुद ही वारिस है। बाजी हसन की टेंशन में ना नींद पूरी हो रही है 3-4 दिन से सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ उसको लेके तबीयत काफ़ी अपसेट है तो लोग भी इसीलिए नहीं बना रहे और साईं जी भी 3 दिन के लिए गए हुए थे आज आए तो फिर हम भी आज मौला की खुशी करते हैं केक वगैरह कट करते हैं। लेकिन अरकान का पता तो हमें अभी चला है ना आप लोगों को ये जब रिपोर्टें करवाई पहले तो हमें यही था कि वैसे ही पता नहीं गोश्त गुश खाया तो इसलिए कोई गोश्त उन्हें खादा नहीं होती दूजे दिन भी पिज्जे खा के आया चांद रात भी पिज्जे खा के आया पिज्जे मोए ने पिज्जे पिज्जे कर दिते ने पिज्जे पिज्जे करते ने और आप भी पिया है तो मैंने भी परेशान किया है। इंजेक्शन नहीं लगवाता और आज 5 दिन से इसको ड्रिपे लग रही है लगातार इंजेक्शन लग रहे हैं। कोई नहीं अल्लाह रहमत कर देगा इंशाल्लाह। चलें तो बस फिर अब केक वगैरह मंगाते हैं तो फिर दिखाते हैं। हाँ जी ये गुलाम सैन समोसे ले आया है। ए जी ठंडे ने गरम क्यों नहीं इधर नु चिप्स खाई सी तो चिप्स भी नहीं ले आया इतनी मिली ए गरम दे ए फिर नहीं हुई नहीं ये जी है मलाई बोटी वाले कह रहा है ये दो मलाई बोटी वाले हैं खा के चेक कर मलाई बोटी अपने दंदा हार के समोसे ले आया चुंजु और ले आने सी फिर इधर मैंने कहा चिप्स भी ले आना। ये जी अभी मम्मा ने पुलाव वगैरह बनाया है गर्मी की वजह से वीडियो नहीं बनाई मैं भूल गई। ये देखें यखनी पुलाव खाने का था बस अभी जा रहे हैं केक वगैरह लेने ईद गदीर का क्योंकि जो ईद गदीर है वो मोमनों की सबसे बड़ी ईद है तो उसके लिए केक वगैरह काटना है तो बस हसन की तबीयत नहीं ठीक फिर भी हमने मोमिन है ईद गदीर मनानी है और चलते हैं आपको दिखाते हैं साथ में। मेडिकल पर आए हैं क्योंकि मेरे कान में भी काफ़ी दर्द है तो मेडिसिन वगैरह लेते हैं आपको भी दिखाते हैं मेडिसिन मैंने ले ली है बस चलते हैं केक लेने केक वाली बैटरी पर आ चुके हैं बस डिसाइड कर रहे हैं कौन सा लेना है लेते हैं ये दिखाते हैं और घर चलते हैं घर चल के मिलेंगे बस चलते हैं घर। हाँ जी काफ़ी थकावट हो गई थी साईं जी भी सफ़र करके आए थे हसन की तबीयत नहीं ठीक तो सो गए थे अब उठे खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया है तो आपको पता है इतना बड़ा दिन है मोमनों का खुशी का तो हमने कहा थोड़ा सा खुशी कर लेते हैं केक काट लेते हैं। हाँ जितने अली वाले मोमन भाई साहब को ईद गदीर मौला का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो ये बहुत बड़ी हमारी ईद है अली वालों की और जनाब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं नारा तकबीर अल्लाह अकबर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह अली मान नारा हैदरी या अली हैदरी या अली नारा विलायत अली विलायत सभी सुना लाल कलंदर हसन भाई को जी मौला का मौला से तो सलामती दे अता करें जनाब सलाम दो जी सबको ईद गदीर मुबारक हो खैर मुबारक जी आप लोगों को भी सबको ईद गदीर मौला का जश्न मुबारक तीसरी तात मुबारक हो आपको सबको मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम के बाबे की विलायत सबको मुबारक हो अल्लाह ही आमीन रहमत रखें और मौला करम रखें आमीन उनके बच्चों के ऊपर उनके बड़ों के ऊपर आमीन और जो गुलाम हुसैन है ये पाकिस्तान के माया नाज आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े हमारे
ਮੁਲਕ ਸਮਾਇਆ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ और ये हर साल तकरीबन मुहर्रम में हमारे पास आ जाते हैं। इस साल भी आ गए, पिछले साल इनकी आमद नहीं हुई थी, इस साल ये आ गए। अब ये हमारे साथ ही पूरे मुहर्रम देखेंगे और माशाल्लाह ये बहुत मौला का जिक्र अच्छा करते हैं। ये केक आप बाद में खाएं, पहले हमें tere na aaj khumme gaddir ch nabi ke aaj shafi main warga te koi hor bhi nahi man kun to maula nu yaad rakhna mere baad phir paana shor bhi nahi मेरा इको अटल फैसला है तुसा अली दी छड़नी डोर भी नहीं अर्शी उस नुकी अनजाद मिलनी ओ जिदी परची ते अली दी मोर नहीं अज खुमे गद्दीर ते खालिक दा पैगाम सुनाया के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें।
यसन जल्दी से ठीक हो जाए और हमारी तरफ से एक दफा और सबको ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली एंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।